हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अशोक राजपथ में जो डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है उसका हम लोग अपडेट देखेंगे और जानेंगे क्या कुछ अभी काम हुआ है और क्या काम बचा हुआ है। ये भी जानेंगे ये प्रोजेक्ट कब तक कम्प्लीट होगा और ये प्रोजेक्ट 1 ईयर के लिए क्यों डिले हो रहा है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, हम लोग सारा कुछ अपडेट जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको डबल डेकर जो फ्लाईओवर है उसका कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। ये टोटल 2 टीयर में बनेगा। फर्स्ट ईयर में पटना कॉलेज से बीएन कॉलेज तक बनेगा जो 1.5 किलोमीटर का होगा। सेकेंड ईयर में कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक होगा जो 2.2 किलोमीटर का होगा। अगर मैं इसके प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो अप्रॉक्स 422 करोड़ का होगा ये प्रोजेक्ट। पटना में ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है ये सेकेंड नंबर है बिहार का। फर्स्ट सारण के चंपारण टाउन में बन रहा है जो आने वाले टाइम पे इंडिया का लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर होने वाला है। एट प्रेजेंट में मुंबई का सबसे लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे का पियर कैप रेडी हो चुका है और ऊपर में पियर कैप अभी बनना इसमें बचा हुआ है और आगे हम लोग देखते चलेंगे कहाँ पे क्या कुछ काम हुआ है। हम लोग PMCS से साइंस कॉलेज तक जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ पिलर बनाया है और रिटर्निंग में हम लोग और नज़दीक से काम को जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। इस प्रोजेक्ट को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ काम अभी हुआ है और क्या बचा हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें पियर कैपिंग का काम हो चुका है। इसके बन जाने के बाद गाड़ियां 3 फ्लोर पे दौड़ेंगी, पहला ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का जो पहले का जो डेडलाइन था 2024 था, बट मेट्रो प्रोजेक्ट की काम की वजह से इसे कंप्लीट किया जाएगा 2025 जनवरी में। अशोक राजपथ में डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि ट्रैफिक को कम करना है, क्योंकि ये जो रोड है ये काफ़ी, इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है। आइए जो फ्लाईओवर बनेगा उसका चौड़ाई होगा 7.5 मीटर होने वाला है। जैसा कि देख सकते हैं इधर में पिलर को रेडी कर लिया गया है, अब इसमें स्लैब का काम होगा और इसे भी जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश किया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर जो होगा वो 1 वे होने वाला है क्योंकि उसकी चौड़ाई काफ़ी कम है। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले कि बिहार में क्या कुछ काम हो रहा है, पटना में भी क्या काम चल रहा है, लोगों को पता चले। अगर मेरा अपडेट अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। आप लोगों को आइडिया लग ही रहा होगा कि हम लोग साइंस कॉलेज साइड बढ़ रहे हैं, इधर भी पिलर का काम कर लिया गया है। रिटर्निंग में हम लोग और डिटेल में इसका काम का देखेंगे कहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। खासकर हम लोग अभी जो वर्क मेजर चल रहा है वो PMCS के पास चल रहा है, वहाँ का भी काम का अपडेट देख लेंगे। चलिए अब हम लोग वापस चलकर देखते हैं क्या कुछ मेजर काम चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पियर कैपिंग का काम चल रहा है। अभी हम लोग खुदाबख्श लाइब्रेरी के पास हैं। डबल डेकर फ्लाईओवर के कंप्लीट हो जाने के बाद ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा ही और साथ ही साथ अशोक राजपथ का रंग रूप ही बदल जाएगा। आप लोग क्लोजली देख सकते हैं काम कैसे यहाँ पर चल रहा है। PMCS के पास पिलर का बेस अभी रेडी हो रहा है और अभी यहाँ पर पिलर बनना बचा हुआ है। आज वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।